नमस्कार, दी आर्टिकल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़ी और विशेष खबर आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह से भाजपा ही बन चुके हैं। जी हां, आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा का रंग उनके तन मन में इतना समा चुका है कि सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में उन्हें भाजपा पार्टी के लिए वोटों की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो लगातार हरियाणा से लेकर सेंट्रल सरकार तक वोट जीतती आ रही है। और भाजपा पार्टी के पीछे की बड़ी वजह भी आज क्लियर हो चुकी है कि भाजपा पार्टी को क्यों वोट मिल पा रहे हैं, क्योंकि किसी के अंतिम संस्कार में किसी के जज्बातों का फायदा उठाना भाजपा पार्टी अच्छी तरह से जानती है। एक ऐसा ही मामला सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में देखने को मिला। कुलदीप बिश्नोई ने शमशान घाट में भी वोटों की अपील की है। आपको बताना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई ने शमशान घाट में अपने वर्करों को वोट देने के लेकर कहा। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर निस्संदेह सोनाली के वर्कर मुझे वोट देंगे, वह अपने वर्करों को वोट देने के लिए कहकर गई है। अगर आज वो जिंदा होती तो मुझे और फायदा होता। मैं कुछ दिन पहले ही सोनाली से मिला था और तब हमारी राजनीति पर चर्चा हुई थी। सोनाली ने मुझसे कहा था कि आदमपुर से चाहे मैं लड़ूं या भोगे, मैं पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेगी। शोक जताने पहुंचे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के इस बयान पर देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सही कहा अपने नवीन भाई, दुर्भाग्यपूर्ण है ये चिश्ती। राजनीति में दुनिया के सबसे घटिया कीचड़ लोग, सबसे ज्यादा कीचड़ लोग शमशान घाट में भी वोट मांगने की चिंता करते हैं। एक ऐसा यहाँ पे नवीन जयहिंद ने लिखा है, एक हत्या हुई महिला नेता की चिंता है, सुना है ना बाप पड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसको लेकर देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आपने सही कहा है, इस ट्वीट को रिट्वीट किया गया, कांग्रेस के नेता आलोचना कर रहे हैं। आपका क्या मानना है चौधरी कुलदीप बिश्नोई के इस बयान को लेकर? क्या भाजपा इतना गिर चुके हैं कि शमशान घाट में भी वोट मांगेंगे? इसको लेकर कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा दी आर्टिकल इंडिया के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।